दोस्तों, मेरे से लंच में किसी ने एक प्रश्न किया था कि संतान सुख कैसे है, कैसे देखते हैं। तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखो, लोशी ग्रिड में अगर 7 नंबर आपके ग्रिड में है तो वो संतान सुख को ही बताता है। 3 और 6 नंबर ये बेटी का सुख देते हैं, जनरली देखा गया है। और 7 नंबर 2 बार रिपीट हो तो लड़के का सुख भी देता है। बट 7 नंबर का ग्रिड में होना बच्चे के सुख की आपको बताता है, बच्चे के सुख के बारे में बताता है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी इसी पहलू को मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ता हूँ। हमारा पंचम भाव से हम फिफ्थ हाउस से हम और फिफ्थ लॉर्ड से हम आपके संतान के सुख के बारे में देखते हैं। और तीसरा क्या होता है, मेन कारक हमारा जुपिटर है, जो फिफ्थ हाउस का कारक है, यानी संतान के सुख का कारक है जुपिटर। और जुपिटर से भी हम पंचम भाव को जरूर देखेंगे, क्योंकि जुपिटर खुद कारक बना हुआ है। जुपिटर को भी देखेंगे, जुपिटर से पंचम भाव भी देखेंगे। अगर ये तीनों प्लैनेट हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है, केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, तो आपको संतान सुख मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। अगर ये इनमें से कोई भी एक दो प्लैनेट वीक हुए, तो संतान सुख में कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस जरूर देखने को मिलेगी।